नहाने के लिए नदी में गए एक युवक की गहरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई है। थाना ककर वही अंतर्गत ग्राम मछली काच में अतुल जाटा 32 पुत्र जय किसान निवासी कस्बा अकोड़ा थाना उमरी जिला भिंड अपने दो साथियों विजय शर्मा व नीलेश तोमर के साथ ईंट के मजदूरों के पैसों का अग्रिम भुगतान करने गया था। गांव से निकली धसान नदी के पास बैठकर सभी ने पार्टी बनाई। इसके बाद तीनों लोग नदी में नहाने चले गए, जहाँ पैर फिसल जाने से अतुल जाटा नदी में बने गहरे गड्ढे में डूब गया। भैया इन लोगों के साथ घूमने आया था, बिना कारण बताए ले दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है। जिसकी जिनकी मौत हुई वो कौन लगते हैं आपके? ये हमारे खास भाई हैं। खास भाई हैं? कैसे मौत हुई इनकी? अब ये हमें कोई जानकारी नहीं, ये लेके आए हैं। कौन लेके आए? डब्लू शर्मा, विजय शर्मा। अच्छा, कौन है जी? ये भट्टे के मालिक हैं। अच्छा, किस लिए आए थे जी? ये लेबर के काम से आए थे और पहले ही अयोध्या गए थे, उसके बाद घूमते हुए वहाँ पहुँचे हैं मछली। तुम्हें सूचना कैसे मिली कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया? मैं गांव के एक लोग ने सूचना दी है कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया है। इन लोगों ने फ़ोन भी नहीं उठाया है, वहाँ फोन लगा लगा के थक गया। डब्ल्यू शर्मा का लगाया फ़ोन, विजय शर्मा का, फोन भी नहीं उठाया। और बाद में फिर जो पथेरा था उस पर मेरे भाई का फोन था, उससे एक बार कॉल उठी, हम मुझे जान। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी हम मऊकानीपुर में हैं। आप लोगों ने उनसे पूछा कि मौत कैसे हुई, इनने क्या बताया? इन लोगों ने ये बताया कि ये लोग नदी पे नहाने गए थे तो तुम्हारा भाई गहरे घाट के पास रह गया पीछे की साइड, और मैं आगे नहा रहा था और वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो डूब गया। और उसके बाद मैंने देखा बाद में तो वो मृत घोषित हमको। अब आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं तो सर, क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। कहाँ के निवासी हो आप? भिंड के। क्या हुआ आज, क्या घटना घट गई थी? हम लोग अयोध्या से वापस आ रहे थे तो जब कुछ लोग जो गांव के थे मछली काज के, तो इनसे मिल भी गए इन लोगों से। तो हम एक लोग हते नहीं मौका पर, तो हम घंटा घाट में आ रहे तो नदी पे चले गए, नहाए भी सब लोग। तो वहाँ साथ में जो एक लड़का था अतुल, तो जब सब लोग कपड़ा पहन के निकले तो वो अतुल मिलो नहीं कहाँ है। फिर जो गाँव के जो सब लोग हते इन्हें ढूंढ डाल के भाई मतलब गड्ढा में से निकालो, गड्ढा में चलो वो खत्म होगा। कितने बजे की घटना है? जी 3:30-4 बजे की रही होगी। पुलिस को कितने बजे सूचना मिलेगी? पुलिस को फोन लगाओ तो इन लोगों ने, हम तो सीधे हॉस्पिटल ही आए, हॉस्पिटल से ही सूचना मिलेगी। आप तो मृतक हैं, उनके कौन है? मैं हम उनके मतलब जी है वो हमारे यहाँ काम करते ड्राइवरी वगैरह, और वैसे मतलब घर को काम सारों को देखते हो। परिजनों को सूचना दी गई? हाँ, परिजनों को हमने तुरंत ही सूचित कर दिया।